Hello students, today I teach you some important terms. Vaccine, vaccination, immunization and inflammation. हमारी बॉडी की बात करते हैं. हमारी बॉडी में क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स ये क्या है? सोल्जर्स. व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी. ये क्या करते हैं? बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी, ताकत, डिजीज़ से फाइट करने की पावर देते हैं. ठीक है, सोल्जर्स ये क्या देते हैं? इम्यूनिटी. हमारी बॉडी में क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम, या कहें इम्यूनिटी सिस्टम. इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम आपने सुनी होगी ये टर्म. कोई कहता है मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है. आजकल COVID-19 के इस दौर में, कह सकते हैं इस मुश्किल समय में, आपने सुना होगा ना, विटामिन सी ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, कह रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर लो, है ना, ताकि वायरस इफेक्ट ना कर सके. तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? ये इम्यूनिटी सिस्टम हमारा सिस्टम जो क्या करता है, हमें पावर देता है. हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं सिस्टम में. ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? सोल्जर्स. ये व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज. क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज, जो क्या करती हैं? ये फाइट करते हैं. एंटीबॉडीज क्या करते हैं? फाइट. किससे फाइट करते हैं? बॉडी पर बाहर से अटैक करने वाले पैथोजेंस. मूवी में देखते हो, या इंडिया या पाकिस्तान आपस में फाइट होती है, तो वो पाकिस्तान हमारा एनिमी है, पैथोजन. सपोज पाकिस्तान क्या है? पैथोजन. तो पैथोजन क्या करते हैं? बाहर से अटैक करते हैं हमारी बॉडी में. और हमारे सोल्जर, हमारी आर्मी में व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, हमारी आर्मी देश के जवान भेजती है ना फाइट करने के लिए, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या भेजते हैं? एंटीबॉडीज. ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? फाइट. किससे? पैथोजन से. एंटीबॉडीज, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या सेंड करते हैं? एंटीबॉडीज. ये एंटीबॉडीज फाइट करते हैं पैथोजन से, इनका मुकाबला करते हैं और इनको भगा देते हैं, मार देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. लेकिन कभी कभी पैथोजन बहुत ज्यादा हो जाए, या इनके कंपैरिजन में एंटीबॉडीज कम पड़ जाए, या कहें हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, हम ऑलरेडी बीमार हैं, तो कहां से हमारे सेल्स काम करेंगे? तो ऐसे में जरूरत है बाहर से ही कुछ टॉनिक लेने की, कुछ सुपर पावर लेने की. वो क्या है? वैक्सीन. दैट इज वैक्सीन. वैक्सीन, ये वैक्सीन क्या चीज है जो बॉडी में लेते हैं? ये एक मेडिसिन है, दवाई है. वैक्सीन क्या है? मेडिसिन. वैक्सीन एक मेडिसिन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाएगी स्ट्रॉन्ग. व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ज्यादा होंगे व्हाइट ब्लड सेल्स, ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा करेंगे. वो एंटीबॉडीज फाइट करेंगे पैथोजन से और डिजीजेस से हमें क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे. तो वैक्सीन क्या है? मेडिसिन. वैक्सीन, इट इज अ डोज, और वी कैन से इट इज अ प्रोडक्ट. अ प्रोडक्ट ऑब्टेंड फ्रॉम डेड और लाइव, और वी कैन से वीकेंड. वीकेंड स्ट्रेन्स ऑफ viruses or bacteria. Viruses or bacteria. Okay beta, vaccine kya hai? Product. Theek hai, ek chemical hai vaccine. Keh sakte hai vaccine ek aisi cheez hai jo hame kisi mare hue ya fir kisi live, kisi weak strain se, virus ya bacteria. Dekho virus aur bacteria bahut hai, inki jo species hai unme kuch different ho, jo genetically means genes thode alag ho, तो उनको ले लिया जाता है. या ये समझने के लिए आप कह सकते हो आर्टिफिशियल वायरस या आर्टिफिशियल बैक्टीरिया ले लिया. तो आर्टिफिशियल वायरस या आर्टिफिशियल बैक्टीरिया, ये स्ट्रेन क्या हो गया? आर्टिफिशियल वायरस या आर्टिफिशियल बैक्टीरिया. तो हमारे जो बॉडी है,
तुम बना रहे वैक्सीन से पहले एक टर्म और थी, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। इस टर्म से पहले ये डिस्कस करनी थी हमने, एंटीबायोटिक, एंटी जो बचाएगा, ठीक है, पैथोजन से बचाएगा, एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हो, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, मेडिसिन, एंटीबायोटिक भी मेडिसिन है और वैक्सीन भी मेडिसिन का ही काम कर रही है। तो एंटीबायोटिक मेनली क्या करते, किस पे काम करते, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स जो भी होते हैं वो फाइट करते हैं मेनली बैक्टीरिया को, तो मार ही देते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वायरस, वायरस बहुत ही पावरफुल है। एंटीबायोटिक्स, हम एंटीबायोटिक्स से अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बना सकते हैं, होता है ना कोई बीमारी होती है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हम बच जाते हैं, है ना, एंटीबॉडीज पैदा करते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सोल्जर्स, वो हमें पैथोजन से, डिजीज से बचाते हैं। लेकिन एंटीबॉडीज बैक्टीरिया पे तो अच्छे से काम करते हैं, वायरस पर कर पाते नहीं, ये वायरस है ना ये तो काफी पावरफुल है, तो स्माइल करते रहते हैं, वायरस कितना स्माइल कर रहा है ना, एंटीबायोटिक्स वायरस पर फेल हो जाते हैं। ये वायरस क्या करता है, जब हम बाहर से एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये वायरस शांत हो जाते हैं, ये अपने ऊपर एक कोट बना लेते हैं। वायरस है क्या, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, अब आप सोचोगे केमिकल्स हैं, और इनके अराउंड क्या है, प्रोटीन, यही वायरस है और कुछ नहीं, इसको हम लिविंग तो कह नहीं सकते। और ये किसी होस्ट बॉडी के, किसी दूसरी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उससे क्या लेगा, उसका मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगा, उसके उससे फूड लेगा, उसको उस मशीनरी को धीरे धीरे डैमेज करेगा, हमारी बॉडी में आ गया तो हमारे सेल्स को डैमेज करेगा, ठीक है, उन्हीं से हमारे सेल से ही एनर्जी लेगा और मल्टीप्लाई करेगा, तेजी से स्पीड बढ़ाएगा, अपने बढ़ने की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, और बहुत ही जल्दी क्या करता है, ये फैलता है वायरस, जैसे आप कोरोना वायरस को देख रहे हो। तो जो वायरस होता है ये है क्या, जस्ट डीएनए आरएनए, मतलब ये केमिकल्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स, इनके अराउंड प्रोटीन पावरफुल होता है काफी। तो जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये अपने अराउंड क्या बना लेता है, कवर, शील्ड बना लेता है, ढाल, शील्ड, लड़ाई में देखते हैं योद्धा कैसे ढाल लेके खड़ा होता है, मुकाबला करते हुए तलवार चलाते खुद को भी बचाना होता है, ढाल, तो ये इसकी ढाल है, शील्ड है, तो ये एकदम शांत हो जाते हैं, ऐसे लगता है हाँ मर गए, खत्म हो गए, आप एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर दोगे, ये उस टाइम पे तो इनएक्टिव है, असर नहीं दिखा रही, लेकिन जब आप दवाई लेना बंद करोगे, एंटीबायोटिक्स लेना बंद करोगे, ये अपना असर दिखाने लगेंगे या फिर मल्टीप्लाई होंगे, फिर आपको अफेक्ट करेंगे, आपके सेल्स को डैमेज करेंगे। तो इसी के लिए ये कंसेप्ट आया वैक्सीन का, वैक्सीन जो हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल स्ट्रेन्स क्या है, आर्टिफिशियल वायरस बोल सकते हैं इसको, आर्टिफिशियल वायरस आप लोगे। अब देखो कोई भी बॉडी है, वायरस आने से पहले की बात करें, कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, थोड़ा सिर्फ छोटा और बाकी बड़ा, ये ऑर्गेनिज्म है, इसको क्या दिया, आर्टिफिशियल वायरस, एवी मीन्स आर्टिफिशियल वायरस दे दिया समझाने के लिए। तो बॉडी क्या करेगी, जब बाहर से कोई हमला करने आता है तो हम पूरी ताकत लगा देते हैं, तो हमारी बॉडी भी पूरी एफर्ट लगा देगी, हमारा इम्यून सिस्टम क्या प्रोड्यूस करेगा, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज इनसे फाइट करेंगे, हो सकता है बेचारे एक बार कामयाब ना हो, ठीक है, हार जाए, लेकिन अगली बार फिर दोबारा कोई हम ऐसा आर्टिफिशियल वायरस लेंगे, डोज लेंगे, दोबारा डोज लेंगे, फिर डोज लेंगे, तो कुछ लिमिटेड टाइम के बाद तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो पहचान लेगा कि वही वायरस है या उससे मिलते जुलते टाइप का वायरस है, और अब बॉडी उससे फाइट करने के लिए रेडी होगी और उसको मार भगाएगी, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आया, वैक्सीन क्या है, मेडिसिन देते हैं, एक बार दो बार फिक्स टाइम का कोर्स होता है, हमें उस कोर्स को पूरा करना चाहिए, कोर्स को पूरा करना जरूरी होता है। ये सारा किस में आता है, मैं आपको बता रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, समझ में आ रहा है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट किसी भी डिजीज के लिए, पहले तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, डॉक्टर देते हैं ना एंटीबायोटिक्स, फिर वो काम नहीं कर रहे, फिर वैक्सीन, पहले आपने देखा पोलियो के लिए वैक्सीन बचपन से ही देते हैं, दो बूंद जिंदगी के,
फिक्स टाइम के बाद देते हैं, जगह जगह कितने अवेयरनेस कैंप हैं, क्यों? ताकि बच्चा पोलियो का शिकार ना, पोलियो आने से पहले बॉडी में, पोलियो का वायरस आने से पहले बॉडी को तैयार कर देते हैं, वायरस का स्ट्रेन लेकर बॉडी में डाला, फिर फिक्स टाइम के बाद फिर डाला, तो वो डोज बॉडी को मिलता रहता है, तो बॉडी उस टाइप के वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। सभी वैक्सीन, सभी ये वैक्सीन एक जैसे नहीं होते, सभी वायरस एक जैसे नहीं है, सभी बैक्टीरिया एक जैसे नहीं है, सभी एंटीबायोटिक एक जैसे नहीं है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स कुछ पर्टिकुलर माइक्रोब्स पर काम करते हैं, ऐसे कुछ वैक्सीन तो हर एक डिजीज के लिए कुछ पर्टिकुलर वैक्सीन होते हैं, हेपेटाइटिस के लिए, पोलियो के लिए, पोलियो के लिए कितना ज्यादा होता है आप देखते हो, पोलियो के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस है और फिर भी फैल रहा है, क्योंकि उन्हें सही टाइम पर वैक्सीन नहीं मिला। अगर उन्हें पहले डोज मिल जाती तो उनकी बॉडी में भी वो एंटीबॉडीज होते जो उन पोलियो फैलाने वाले पैथोजन से मुकाबला करते और बॉडी को पोलियो नहीं होता, हो गया, क्योंकि उन्हें सही समय पर वैक्सीन नहीं मिला। अब तो है तो अवेयर होने की जरूरत है। तो वैक्सीन क्या है? आर्टिफिशियल वायरस कह सकते हैं या फिर कोई स्पेशल वायरसेस की उसमें कोई वीकेंड हमने कोई ले लिया और वायरस, ठीक है, तो बॉडी के अंदर जब वो डाला जाएगा तो बॉडी क्या करेगी? उसका मुकाबला करेगी। इम्यून सिस्टम हो सकता है पहली बार में हार जाए, नेक्स्ट टाइम और स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट टाइम अगली डोज और स्ट्रॉन्ग, तो बॉडी उसे फाइट करने के लिए तैयार होती चली जाएगी, बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो ये था वैक्सीन, और ये प्रोसेस जिसमें वैक्सीनेशन दी जा रही है दैट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ये सब आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में, वैक्सीनेशन मींस एक्ट ऑफ गिविंग वैक्सीन टू अ पर्सन। बीमारी के बाद नहीं देते वैक्सीन, पहले ही दे देते हैं। यू नहीं है, अब पोलियो हो गया, अब वैक्सीन दे लो, अब क्या फायदा जब हो ही गया। वैक्सीन देकर तो बॉडी को आने वाली बीमारी से बचाया जाता है, बाद में नहीं दिया जाता। जैसे एंटीबायोटिक्स तो बाद में भी ले लेते डिजीज हो गई, वैक्सीन को पहले ही लिया जाता है। वैक्सीन बॉडी को तैयार करता है आने वाली डिजीज से बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए हिम्मत देता है। वैक्सीनेशन के एक्ट ऑफ गिविंग वैक्सीन टू अ पर्सन, किसी पर्सन को वैक्सीन देना। और वैक्सीन क्या है? वैक्सीन क्या है? प्रोडक्ट है जो किसी डेड मरे हुए या फिर कोई सर्वाइव तो कर रहा है लेकिन वो बहुत ही कमजोर है, इस टाइप का वायरस बॉडी में डाल देंगे, ठीक है। अब पावरफुल डाल दिया तो गई बॉडी काम से, ठीक है ना। तो बॉडी हो सकता है एक बार हार जाए दोबारा, लेकिन कभी तो सफलता मिलेगी, बॉडी तैयार हो जाएगी, समझ जाएगी इस टाइप के वायरस का मुकाबला कैसे करना है, वो और उसके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल में होंगे ना उनसे मुकाबला कर पाएगी। वैक्सीनेशन, वैक्सीन देन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जहां बॉडी डेवलप करती है अपना इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से फाइट करने के लिए एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की वजह से। इम्यूनाइजेशन, इट इज इम्यूनाइजेशन मींस इट इज अ प्रोसेस वेयर body develops, body develop करते, body develops immunity, immunity means बीमारियों से जंग से लड़ने की ताकत, immunity to fight against pathogens भी लिख सकते हो, disease causing microbes भी लिख सकते हो, against pathogens, पैथोजन्स किसकी वजह से? वैक्सीन की हेल्प से, वैक्सीन की वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन का मतलब है ये वो प्रोसेस है जहां जिसमें बॉडी क्या करती है, डेवलप कर लेती है इम्यूनिटी, बॉडी डेवलप करती है इम्यूनिटी ताकि वो फाइट कर ले किससे, पैथोजन से। किसकी हेल्प से? वैक्सीन की हेल्प से। दिस इज इम्यूनाइजेशन।
immunization. The process where body develops immunity to fight against pathogens as a result of vaccine. The next important term is inflammation. वैसे inflammation का meaning सूजन होता है, swelling. लेकिन inflammation देखो एक अलग ही term आज आप पढ़ोगे. Inflammation. 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 An acute immune system recruits new cells to fight against pathogens to protect any organ, affected organ. Okay? Immunization, inflammation क्या है? Inflammation का मतलब है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कुछ टाइम के लिए कुछ सेल्स को रिक्रूट करता है, जैसे जॉब के लिए रिक्रूटमेंट आता है, है ना, वैकेंसी है, जरूरत है तो बुला लेते हैं. ऐसे ही ये जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं, ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, रिक्रूट करता है, सेल्स को ड्यूटी देता है. तुम वो ऑर्गन अफेक्टेड है, उसको बचाना है, वहां जाओ, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको प्रोटेक्ट करो, वहां जो पैथोजेंस है उनसे मुकाबला करो, उनसे फाइट करो. तो यही प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोसेस इन विच आर एक्यूट इम्यून सिस्टम, एक्यूट कुछ समय के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, रिक्रूट करता है, कुछ सेल्स को चुनता है टू प्रोटेक्ट एनी अफेक्टेड ऑर्गन एंड टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस. ठीक है, तो यही क्या है इन्फ्लेमेशन. It is the process in which an acute immune system recruits, मतलब मौका देता है, चुनता है किसी काम के लिए, recruits new cells. ताकि वो इरिटेट ना हो जाए, उसके अंदर जीने की इच्छा भी होनी चाहिए अगर कोई क्रोनिकल डिजीज है उसके अंदर, और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए, लाइट फूड देना चाहिए, क्योंकि जब कोई पर्सन अफेक्टेड होता है डिजीज से तो क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं. तो और न्यूट्रिशन लाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को लाने के लिए क्या जरूरी है, बैलेंस्ड डाइट. और डाइजेशन वीक हो जाता है, वीक डाइजेशन के केस में उसे दलिया, खिचड़ी, ब्रेड ये चीजें दी जा सकती हैं. प्रॉपर केयर करें, ठीक है, और आसपास क्लीनलीनेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम हो तो ये चीजें होनी जरूरी है. क्लीनलीनेस,
सैनिटेशन बेटर होने चाहिए, फूड न्यूट्रिशियस होना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो भी चीजें यूजेबल हैं उसकी उसको दूसरों से सेपरेट रखना चाहिए, ताकि वो अगर डिजीज कॉन्टाजियस है, कम्युनिकेबल है, तो एक से दूसरे को ना हो। ओके, तो और रेस्ट भी बहुत जरूरी है। मेडिसिन तभी काम करेगी जब बॉडी रेस्ट लेगी, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर रेस्ट ले तो मेडिसिन जल्दी इफेक्ट करेगी। ये था प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन और हाँ वेज टू प्रिवेंट डिजीजेस, इसी में ही आते हैं ये भी, वेज टू प्रिवेंट डिजीजेस। डिजीजेस से कैसे बचें? एयरबॉर्न डिजीजेस आपने बहुत पढ़ी, एयरबॉर्न डिजीजेस कैसे बचें? आप कोरोना को ही ले लो, है ना, कुछ रिपोर्ट्स में तो कहा गया एयर में भी फैलता है, तो लेकिन एयर में होता तो अब तक तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में पाया गया एयर में भी है कोरोना। तो देखो जो बहुत सारे ऐसे हार्मफुल माइक्रोब जो एयर में है, तो कहीं भी ओपन में जा रहे, क्राउडेड प्लेस पर मत जाओ, जैसे अभी भी देख रहे हो, जब भीड़ है मत जाओ, जरूरी है तो जाओ। अपना नोज माउथ यहीं से जम्स कैच करोगे, ईयर, तो इनको क्या करो, कवर करो, मास्क लगा लो। देख ही रहे हो अब तो, आप बहुत अच्छे से जान गए हो क्या करना चाहिए। तो एक तो एयर भी क्लीन हो और क्राउडेड एरिया पर ना जाएं, अपना इन पार्ट्स को कवर करके रखें। वाटरबोर्न सिंपल है, आज का टाइम एजुकेशन लेवल हाई है पहले से, तो देखो वाटर कैसा हो, कहीं भी पॉन्ड वाटर लेक वाटर पी लिया, उसमें क्या जर्म्स होंगे, आपको क्या डिजीज करेंगे, कोलेरा, गंदा गंदे गंदे बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरियाज आपको बीमार कर देंगे। तो वाटर कैसा क्लीन हो, बॉइल्ड हो, फिल्टर्ड हो, फिल्टर्ड वाटर आपको पीना चाहिए। ओके, फूड कैसा हो आपका, बासी ना हो, ओवर ज्यादा पका हुआ भी ना हो, और बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए। इन बातों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, ये मैंने वेक्टर आपको बताया था, वेक्टर यानी जो माइक्रोब्स डिजीज फैलाते हैं, एनिमल बॉर्न कर दो या माइक्रोब वाली कर दो, माइक्रोब कर दो या एनिमल बॉर्न डिजीजेस, ठीक है, ये स्मॉल एनिमल्स आ जाएंगे इसमें, स्मॉल एनिमल्स ये माइक्रोब्स हैं, मॉस्किटोज, फ्लाइज, ये क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं ना। अब खाना है उसमें बहुत सारी मक्खियां बैठे, खा लोगे? नहीं, वो तो कैरियर है, कैरी करके लाई और उनकी बॉडी से स्टिक होकर चिपक कर कैसे कैसे वायरस आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, वो आपके अंदर जाएंगे और आपको बीमार करेंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सभी फूड आइटम्स को कवर करके रखना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर को कवर करना चाहिए, ज्यादा टाइम तक पानी खुला हुआ नहीं रखना चाहिए, पानी कहीं ओपन में होगा तो उसमें क्या होंगे, मॉस्किटोज, फ्लाई यही ब्रीड करेंगे, पनपेंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी और डिजीजेस फैलेंगे। आसपास क्लीनलीनेस, सफाई को मेंटेन करना चाहिए, वॉशरूम सैनिटेशन, बेटर सैनिटेशन, शौचालय साफ होने चाहिए, किचन साफ होना चाहिए, वहां आप खाना तैयार करते हो तो साफ सफाई हो, फूड आप अच्छा लो, स्टेल बासी नहीं होना चाहिए। कूलर वगैरह में आप पोटेशियम परमैंगनेट, नालियों में पोटेशियम परमैंगनेट, फिनाइल वगैरह डाल सकते हो, इससे क्या होंगे, मॉस्किटोज कंट्रोल में आएंगे। इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स ये यूज करना चाहिए, ये रैट है ये भी जानलेवा बीमारियां फैलाता है, तो इनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड रेट पर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद बेटा एक इम्पॉर्टेंट नेम आता है, मार्शल एंड वरिन। मार्शल एंड वरिन ये टू साइंटिस्ट हैं, इन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कब मिला, 2005 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक डिस्कवर किया, क्या नाम था उसका, एमोक्सिलिन, एमोक्सिलिन, ठीक है, ये एंटीबायोटिक था, एंटीबैक्टीरियल, किस लिए, टू किल बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए तो बेनिफिशियल था ही, साथ ही साथ ये क्या कर सकता था, गुड क्योर ठीक कर सकता था, गुड क्योर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर बहुत ही खतरनाक बीमारी, पेप्टिक अल्सर आपको पता नहीं है, पेप्टिक अल्सर में स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन में घाव हो जाते हैं, जलन होती है, पेन होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है, उससे बचाता है एमोक्सिलिन, बैक्टीरिया को मारता है एमोक्सिलिन, और एमोक्सिलिन डिस्कवर किया मार्शल और वारेन ने, इसीलिए मिला नोबेल प्राइज 2005 में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट डिजीजेस मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स है ना, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इन डिजीजेस को लेकर। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स मिलते जुलते हैं। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, पहले फीवर आएगा, फर्स्ट क्या होगा बॉडी में फीवर आ जाएगा, नेक्स्ट रैशेस, रैशेस हो जाएंगे। और बात करते हैं दूसरे की, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स इसमें क्या होगा, एक साथ फीवर और रैशेस एक साथ। स्मॉल पॉक्स में पहले 3-4 दिन फीवर रहेगा फिर रैशेस होंगे, चिकन पॉक्स में फीवर और रैशेस एक साथ हो जाएंगे, छोटे बच्चों में ज्यादा होते हैं। और चिकन पॉक्स में तो ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स जैसे फोड़े नहीं होते, फफोले भी बोलते हैं, ब्लिस्टर्स फोड़े हो जाते हैं विद फ्लूइड, उनमें पस बन जाता है, बहुत दर्दनाक, एक फूटा टच हो गया कुछ वहां लग गया फैल गया, कम्युनिकेबल कॉन्टाजियस डिजीज है, धब्बे भी रह जाते हैं, इनके निशान स्केयर्स बॉडी पर बने रह जाते हैं। ओके तो बात करते हैं स्मॉल पॉक्स वेरियोला से। स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। और चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस, चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला वायरस से। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस, चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।